हेलो गाइस वेलकम टू क्रिक्टोवर्स सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई पी एन एस के गवर्नेंस के बारे में तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है सबसे पहले हम ई पी एन एस का इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर गवर्नेंस क्या होता है देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू ई पी एन एस गवर्नेंस और फिर ई पी एन एस गवर्नेंस में क्या क्या रूल्स होते हैं और एट द लास्ट कोई भी गवर्नेंस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का क्या पूरा प्रोसेस होता है तो ये गाइज आज के वीडियो के हमारे डिस्कशन में रहने वाला है तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिले या आपको कुछ नया इम्प्रूवमेंट दिखे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं ई के बारे में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको मैं बता दूं कि ई का फुल फॉर्म होता है इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस ये कैसी सर्विस है जो आपको कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या कोई भी वेब सी के रिलेटेड एक्टिविटी होगी उसके रिलेटेड आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा अब उस नोटिफिकेशन के लिए आपको पहले ऑप्ट करना पड़ेगा उसकी पूरी प्रोसेस मैंने अपने पुराने वीडियो में बनाई है तो आप वो देख ये सीख सकते हो तो चलिए आज के वीडियो का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नेंस क्या होता है तो गाइज बेसिकली गवर्नेंस एक टाइप का है हम बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोटोकॉल वेब थ्री में कैसे चलेगा अब चलिए हम इसको ट्रेडिशनल वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं अगर हम कोई कंपनी की बात करते हैं तो उसमें कोई भी डिसीजन लेने का किसको होता है जो भी हायर अथॉरिटीज होते हैं जैसे सीईओ हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया अब फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको हमें अप्रेजल देना है तो वो डिसीजन कौन लेता है एच हो गया या तो सीईओ हो गए या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी पावर है वो एक सेंट्रल एंटिटी के पास है बट अगर हम वेब में या क्रिप्टो में बात करें तो गवर्नेंस क्या होता है कि कुछ भी आ, किसी को प्रोवाइड करना एक प्रोटोकॉल में या कुछ भी पावर देना है तो वो किसके हाथ में होता है वो कम्युनिटी के हाथ में होता है कम्युनिटी कुछ भी चीज के लिए वोट कर सकती है कोई नया प्रपोजल लाना है फॉर एग्जाम्पल मुझे ईपीएनएस में एक नया प्रपोजल लाना है तो मैं उसके लिए एक प्रपोजल सबमिट करूंगा और सबमिट करने के बाद कम्युनिटी पे वोटिंग करेगी तो गाइज यहाँ आप देख रहे हैं ना कि कैसे मतलब जो पावर होता है वो कम्युनिटी के हाथ में होता है उनके अकॉर्डिंगली हमें आगे जो प्रपोजल होता है वो डिसीजन लेते हैं तो ये बेसिक था गवर्नेंस के बारे में अब हम देखते हैं ईपीएनएस का गवर्नेंस तो कि आपको ये मैं बता दूं कि ईपीएनएस का जो गवर्नेंस था वो 16 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ था क्योंकि ये ईपीएनएस मतलब अभी स्टार्टिंग फेज में ही है और अभी हम बोल सकते हैं इसका फेज जीरो का रोड मैप आया था कि डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस कैसे इस चलेगा इसमें तो ईपीएनएस गवर्नेंस के बारे में ये आपको बताया मैंने अभी हम देखते हैं कि बेसिक ईपीएनएस में गवर्नेंस की क्या क्या एक्टिविटीज है तो तीन वेज है बेसिकली जहाँ कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सकती है पहला है ग्रांट्स प्रोग्राम दूसरा है वीकली रॉकस्टार एनएफटी और थर्ड है मेटा गवर्नेंस तो पहला है ग्रांट प्रोग्राम का इस ग्रांट प्रोग्राम में क्या होता है कि किसी को भी कोई नया चेंजेस लाना है प्रोजेक्ट में कुछ इनिशिएटिव लाना है कोई आइडिया है तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपेंस भी लगता है उसको पूरा बनाने में रेडी करने में तो उसके लिए जो भी फंडिंग होती है वो ग्रांट्स प्रोग्राम के थ्रू मिलती है मैंने ग्रांट्स प्रोग्राम के रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है आप उसको देख सकते हैं फिर सेकंड पॉइंट है हमारा वीकली रॉकस्टार एनएफटी गाइस आपको जान के खुशी होगी कि मुझे भी एक बार नॉमिनेट किया गया था वीकली रॉकस्टार एनएफटी के लिए तो वीकली रॉकस्टार एनएफटी क्या होता है कि बेसिकली जो भी इस प्रोटोकॉल के लिए जो भी कंटेंट अच्छा बनाते हैं कम्युनिटी को कुछ प्रोवाइड करते हैं तो उनको ईपीएनएफ वाले चूज करते हैं उनके कंटेंट के ऊपर और फिर एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है जहाँ पे वीकली फोर कैंडिडेट्स चूज होते हैं हर वीक ये बावन वीक जितना प्रो, बड़ा प्रोग्राम चलता है और उसमें हर वीक चार कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाता है उनके कंटेंट के ऊपर से और फिर कम्युनिटी उसको वोट करती है और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसको एक एन और कुछ टोकन मिलते हैं तो ये था गाइज वीकली रॉक स्टार एन इसमें मैं भी एक बार नॉमिनेट हो चुका हूँ अब जो थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात करें मेटा गवर्नेंस मेटा गवर्नेंस क्या है कि जिससे जिन्होंने भी टोकन पुश का टोकन होल्ड किया हुआ है वो कुछ नया प्रपोजल ला सकते हैं कुछ वोटिंग कर सकते हैं तो ये सब कुछ कर सकते अभी है अभी फिर जितम इनिशियल स्टेज है तो जैसे कि ये ईपीएनएस मैच्योर होगा आगे बढ़ेगा वैसे ही हमें और भी नई नई चीजें इसमें इंट्रोड्यूस होते हुए दिखेगी तो गैज ये बेसिकली थे तीन स्टेप्स ऑफ गवर्नेंस अब हम बात करेंगे रोल्स इन ईपीएनएस गवर्नेंस ईपीएनएस गवर्नेंस में क्या क्या रोल्स है तो बात करें तो ईवीएनएस में अभी चार रोल्स है जो एक पुष नॉमिनी पुस डेलीगेट पुस्ट डेलीगेटर और पुष्ट चैम्पियंस चलिए इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं तो सबसे पहले जानते हैं पुष्प नॉमिनी के बारे में पुष्प नॉमिनी एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं और जिनको पुष्ट टोकन होल्डर्स क्या करते हैं डेलीगेट कर सकते हैं कि वो उनकी जगह पे वोटिंग करें बेसिकली पुष्प नॉमिनी जो होते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं और उनको सारे पुष्प के अपडेट्स के बारे में पता होता है नेक्स्ट होते डेलीगेट जो होते हैं वो थाउजेंड डॉलर का पुश डेलीगेट कर चुके होते हैं ये प्रपोजल में और वो लोग क्या कर सकते हैं नए प्रोपोजल बना सकते हैं जो स्नैपशॉट उनको मिला है उसके ऊपर से वो नए प्रोपोजल बना सकते हैं तो ये थे पुश डेलीगेट के बारे में अब है पुश डेलीगेटर उस डेलीगेटर एक तरह से टोकन होल्डर्स होते हैं जिनके पास पावर होता है कि वो अपने पुष्ट टोकन को किसी को भी डेलीगेट कर सकते हैं वो या तो पुष्ट नॉमिनी को डेलीगेट कर सकते हैं पुस्ट डेलीगेटी को डेलीगेट कर सकते हैं और लास्ट होता है पुष चैंपियन पुष्ट चैंपियन ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिन्होंने ईपीएनएस गवर्नेंस को प्रमोट करने में बहुत हेल्प किया होता है और वो इन कम्युनिटी को नए अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं तो बेसिकली ये पुष चैंपियन भी तीन अलग अलग टाइप के होते हैं पहले होते हैं कम्युनिटी चैंपियंस तो कम्युनिटी चैंपियन एक टाइप से वेबसी लीडर्स है जिनका मेन काम होता है कि वो लोगों को एजुकेट करते है और कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं तो इसके लिए उनको सबसे पहले ईपीएनएस के आइडियल्स पे विश्वास होता है वो ट्रस्ट करते हैं ईपीएनएस के जो भी विजन है उस पर और वो लोगों को एजुकेट करते हैं कम्युनिटी में और उससे क्या होता है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के बारे में लोगों को पता चलता है अब नेक्स्ट होते हैं टीम चैंपियंस टीम चैंपियंस भी ईपीएनएस के टीम मेंबर्स होते हैं ये और इनको क्या करना होता है कि गाइड करना पड़ता है कम्युनिटी को कि कोई भी गवर्नेंस का प्रपोजल है या कोई भी मैकेनिज्म है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो पूरा गाइड करने का काम टीम चैंपियंस का होता है और ये ईपीएन से कोर टीम में से मेंबर है। है होते हैं लास्ट है इलेक्टेड चैंपियन इलेक्टेड चैंपियन भी कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं और उनको क्या करना पड़ता है कम्युनिटी को बताना पड़ता है कि कोई भी गवर्नेंस प्रोसेस हर स्टेप में कैसे फॉरवर्ड करेगा कि पहले आपके पास आइडिया तो आप प्रपोजल सबमिट करो फिर प्रपोजल सबमिट करने के बाद क्या प्रोसेस होगी नेक्स्ट तो ये सब चीजें बताना होता है इलेक्टेड इलेक्टेड चैंपियंस का काम तो ये थे बेसिक रोल्स जो हमने देखे ईपीएनएस के गवर्नेंस में अब हम पूरा गवर्नेंस का प्रोसेस समझते फ्लो चार्ट के थ्रू उसके पहले गवर्नेंस के स्टेप्स देख लेते हैं तो गवर्नेंस का पहला स्टेप होता है प्रपोजल फेज जिसमें कोई भी हम प्रपोजल सबमिट करते हैं फिर डिस्कशन जिसमें जो भी के लोग हैं हैं वो डिस्कस करके उसको अप्रूव करते और लास्ट होता है गवर्नेंस तो आइए इस फ्लोर चार्ट से इसको समझते हैं ये पूरे मैकेनिज्म को सबसे पहला होता है गवर्नेंस प्रपोजल जिसमें एक कोई भी जो अप्रोप्रिएट बंदा होता है वो प्रपोजल बनाता है और सेकेंड स्टेप होता है डिस्कशन वाला उसमें डिस्कशन किया जाता है कि ये जो प्रपोजल आया है क्या ये सही है या फिर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो भी ऑथोराइज पर्सन होते हैं जिनको जैसे पूस्ट डेलीगेट हो गए या जो भी हुए वो इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अगर ये क्राइटेरिया को मीट करता है तो फिर एक जैसा मैंने आपको बताया था पोस्ट डेलीगेट क्या करते हैं कि स्नैपशॉट के ऊपर प्रपोजल बनाते हैं तो पूस्ट डेलीगेट क्या करेंगे इसका प्रपोजल सबमिट करेंगे स्नैपशॉट में और फिर स्मार्ट स्नैपशॉट की वोटिंग स्टार्ट होती है जैसा मैंने आपको बताया था कि गवर्नेंस का मेन पावर किसको मिलता है कम्युनिटी को तो इसमें वोटिंग कौन करेगी कम्युनिटी अब वोटिंग की मिनिमम क्राइटेरिया मीट हो जाती है या वोटिंग अप्रूव हो जाता है तो ये प्रपोजल भी अप्रूव हो जाता है अगर दिस, गवर्नेंस डिस्कशन में सेकेंड जो स्टेप है उसमें पता चलता है कि नहीं ये क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है तो वहां पर इसको क्लोज किया जाता है इसके लिए प्रपोजल नहीं बनाया जाता है और या तो अगर वोटिंग एस पर क्राइटेरिया नहीं होती तो उसको भी वहां पे क्लोज कर दिया जाता है और अगर आपको कोई भी स्नैपशॉट सबमिट करना है तो आपको एटलीस्ट सेवेंटी फाइव थाउजेंड टोकन चाहिए तो क्या ये था पूरा सिंप्लीफाइड गवर्नेंस प्रोसेस जो मैंने आपको अभी समझाया आई होप कि आपको गवर्नेंस और ई के गवर्नेंस गवर्नेंस के बारे में पूरा समझ आया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आपको अगर क्रिप्टो इकोसिस्टम के साथ अपडेटेड रहना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें कोई भी क्वेरी के लिए आप हमें ई भी कर सकते हैं तो आई होप ग आपको नया सीखने को मिला हो आपको इस वीडियो से मजा आया हो तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम ऐसे ही वीडियो लेकर आगे आते रहेंगे थैंक यू गाइज